देखिए तीनों फिल्में अलग अलग जॉनर की हैं। सबसे पहले तो थैंक यू मेरे प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा जी, जो मेरे दोस्त भी हैं, प्रोड्यूसर तो हैं, और एक दोस्ती के नाते हम लोगों ने तीनों फिल्मों में अलग अलग सब्जेक्ट चुने। और आज देख ही रहे हैं कि तीनों फिल्मों की कास्टिंग सारी लॉक हो चुकी है और हम लोग फ्लोर पर फ्राइडे से फ्लोर पर जा रहे हैं वन बाई वन। तीनों फिल्में कॉमेडी हैं, जैसे मेरा स्टाइल कॉमेडी जॉनर का है, तो तीनों को बड़ी अलग अलग जॉनर मैंने बांटा है और फिर कोशिश करूँगा कि अच्छी फिल्म बनाऊँ। जिस तरह से आप उन्होंने बताया कि आप उनके फ्रेंड हैं, तो उनके फ्रेंड होते हुए आप इन तीनों फिल्मों को प्रोड्यूस करें या फिर इन तीनों फिल्मों की कहानी में ऐसा आपको कंटेंट अच्छा लगा कि आप इन तीनों फिल्मों को प्रोड्यूस करें? तीनों की कहानी बहुत ही बहुत अच्छी है और हमको नहीं लगता कि मनोज जी से ज़्यादा अच्छा कोई डायरेक्टर और दोस्त मिल सकता है, इसलिए हमने आप ही को सब किया। देखिए मैं तीनों फिल्मों की, देखिए हॉरर कॉमेडी हैं दोनों फिल्में मेरी, एक तो भूतियापा और खली बली, क्योंकि आउटलाइन तो मैं नहीं, इतना सस्पेंस रहता है इन फिल्मों में। दोनों फिल्में जॉनर में अगर कहूँगा स्त्री और भूल भुलैया, जैसे खली बली है वो स्त्री जॉनर को मैं पकड़ सकता हूँ, और जो भूतियापा है जो मिथुन दा, कृष्णा और सुगंधा, वो एक भूल भुलैया जॉनर की है। और फ्लैट नंबर 420 वो आउट एंड आउट कॉमेडी, जैसे भेजा फ्राई आई थी उस टाइप का कैरेक्टर वाला सिनेमा। तो तीनों फिल्मों को अलग अलग टाइप का मैंने कोशिश की। सर लोग डरेंगे नहीं, हंसेंगे? 100% हंसेंगे और हंसते हंसते डरेंगे, फिर हंस जाएंगे, हंसते डरेंगे, दोनों चीज़ें। तो इन तीनों फिल्मों के लिए स्टार कास्ट की बात की है, कैसे आपने चयन किया कि इस फिल्म के लिए कौन सा स्टार कास्ट परफेक्ट? देखिए जैसे कि हमारी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अनुसार मैंने कमल जी से कहा कि मुझे ये कलाकार इसमें रिक्वायरमेंट है। उन्होंने सिंपल कहा कि आप अपने कैरेक्टर, जो आपने, मैं एक राइटर भी हूँ क्योंकि मैंने ही कैरेक्टर गढ़े हैं, तो मेरे जहन में ये सब टीम चल रही थी। रजनीश, मधु जी को मैं ला पाया वापस, कमबैक अपनी फिल्म में, अच्छी बात हो गई मेरी फिल्म के लिए भी। असरानी साहब, कायना तरोड़ा, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर कास्टिंग है, ये फेम वाली कास्टिंग बिल्कुल नहीं है। और इस फिल्म में ना एक बहुत सरप्राइज कास्टिंग भी होगी, जिसका हम अभी नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत सरप्राइज ही लेजेंडली एक एक्टर हमारे साथ इस फिल्म में है, जो बनते वक्त ही बता पाएंगे आप। शूटिंग के लिए हम लोग 17 से शूट कर ही रहे हैं और फरवरी में रिलीज़ करने का प्लान है। नहीं नहीं, आप होती रहेंगी, मतलब वन बाई वन होगी। जैसा कमल जी का प्रोग्राम है कि फर्स्ट खली वली हम लोग फेम में रिलीज़ करेंगे, उसके बाद भूतियापा बच्चों की छुट्टियों में मई जून में, देन अपना फ्लैट नंबर 420। हाँ जी, लोकेशन बॉम्बे और लखनऊ, ये तीनों फिल्मों का लोकेशन मुंबई लखनऊ। और फैंस से क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी एक फिल्म आई तो और अब तीन फिल्में आने के तैयार है, तो फैंस से क्या कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों से? फैंस से मैं यही कहना चाहूँगा, हंसें, सिर्फ हंसें, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है इन तीनों फिल्मों में। 2 घंटे कब कैसे निकलेगा अभी तो मैं बनाने जा रहा हूँ, लेकिन 100% वादा करता हूँ कि आप इसमें हंसेंगे और हमारा साथ देंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू।